गुड मॉर्निंग सानिध्या। गुड मॉर्निंग मैम। फाइन हाउ आर यू? मैम, हाउ आर यू? गुड गुड। अदर्स हैव नॉट जॉइन। व्हाट डिड वी डू यस्टरडे इन द क्लास? मैम व्हाट डिड वी डू मैम यू यस्टरडे? वाज टेलिंग यू वर मैम यू वर टेलिंग दैट व्हिच मैम वी हैव डन इन दैट ज्योग्राफी हिस्ट्री। नहीं, वो तो आई थिंक आई हैड डिस्कस्ड विद यू पीपल। आफ्टर दैट आई थिंक वी स्टार्टेड विद समथिंग। नो, वी स्टार्टेड विद द फ्लो चार्ट। यस मैम, ऑफ फिफ्थ चैप्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ फ्लो चार्ट्स वी वर डूइंग, राइट? यस मैम। हाँ, वी वर डूइंग फ्लो चार्ट्स, राइट? यस मैम। Which one we have completed? Please tell so that I can share. मैम टाइलिंग ओपनिंग का। हाँ, मैम कुल टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, ठीक है। आई थिंक वी आर लेफ्ट विद वन मोर दिस थिंग, है ना? यस मैम। हाँ, वेट अ सेकेंड, आई विल शेयर। मैम वो वाला फ्लो चार्ट ना, वाइल्ड लाइफ टाइप्स ऑफ वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। हाँ, तो कितना कर लिया था वो हमने? मैम टाइप्स ऑफ वेजिटेशन जो था वो पूरा हो गया था, वाइल्ड लाइफ इन इंडिया शुरू करना। ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मनोजस। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम उसकी एक लाइन ही हो पाई थी वाइट हाउस इन इंडिया वाले। एक बार अभी हम स्क्रीन आपकी आपसे अपना कैमरा ऑन करा हुआ है ना, मुझे बस एक बार दिखा दो हाउ मच वी हैव डन, सो अकॉर्डिंगली आई विल शेयर। मैम मैं आपको पिक भेज दूं? हाँ हाँ, नहीं पिक मत भेजो, हम आपसे भी शेयर करते हैं। रुको, मैम जितने लोगों ने अटेंडेंस मार्क करी उतने भी नहीं आए। मैम देखिए भेज दिया मैम। आपने किस पे हमारे नंबर पे भेजा है? यस मैम। ठीक है, देखो बेटा मनोजस, ये अटेंडेंस भेजने का जो वो है, ये लोग जो करते हैं अटेंडेंस जो भेजते हैं ये लोग, इससे हमारा तो कोई नुकसान है नहीं कि है? यहाँ हमारा क्या है मैम, पढ़ना हम ही लोगों को अपना नुकसान कर। गुड मॉर्निंग मैम। एग्जैक्टली, गुड मॉर्निंग बच्चा। सानिध्या, आई थिंक दिस वाज द वन व्हिच वी वर डूइंग। मैम दिख नहीं रहा। मैम दिख गया नहीं मैम, इससे पहले वाला। अच्छा, इससे पहले वाला था।
देखो ये टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, मैम ये हो गया, इसके नीचे था वो वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। नहीं उसको रहने दो, उसको रहने दो मैम, वहां तक हो गया है, उसके आगे करना है। हाँ तो ये वाला करो, अभी वाला इम्पोर्टेंट एनिमल्स एंड, हाँ है ना, हाँ ये वाला कर लो आप लोग। मैम वन मिनट आई एम रीजॉइनिंग। हाँ बेटा यू कैन रीजॉइन, नो इश्यूज। सी आई एम कीपिंग द स्क्रीनशॉट्स विद मी द डे स्कूल्स विल ओपन। आई नो दैट ऑल दीज वर हैव अटेंडेड द क्लासेस एंड दीज चिल्ड्रन हैव द वर्क विद देम, राइट? यस मैम। स्कूल विल बी ओपन? यस बेटा। मैम मैं जब पिछले कुछ दिनों से एब्सेंट था जी जी मैम, उनमें मेरा वर्क नहीं हो पाया था मैम, तो मैं किसी से कॉपी लेके काम कर सकता हूँ? पहले पुराना वाला ले लो किसी, बेटा क्या किसी के पास गलती से सारे की हिस्ट्री की नोटबुक आ गई है? नो मैम। चलिए वो तो हम देख लेंगे स्कूल जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम आई वांट टू सी द फ्लो चार्ट 3 मैम, यस्टरडे चार्ट 3। बेटा अभी फिलहाल तो ये वाला करो, फिर हम दोबारा से दिखा देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी फिलहाल आप ये रिटर्न में कर लो फटाफट, है ना, लीव स्पेस फॉर द अदर। मैम कितना टाइम? जी बेटा। मैम मैं डाल दूं? क्या चीज मैम? मैं भेज दूं फ्लो चार्ट 3 ग्रुप पे? भेज दो भेज दो मैम, सारे भेज दो, सारे फ्लो चार्ट भेज दो। मैम स्कूल विल रीओपन? ऑफ कोर्स बेटा दे विल रीओपन, वी आर होपिंग दैट दे विल रीओपन। मैम ये ऑनलाइन हुए क्यों? यस मैम, मैम अपनी धूप निकल ली अच्छी सी, धूप से, धूप और ठंड से कोई लेना देना है ही नहीं, धूप से और ठंड से लेना देना नहीं है बेटा, ये इसलिए बंद हुए क्योंकि क्योंकि जो हमारे चीफ मिनिस्टर ने स्कूल बंद करवाए है ना, जो हमारे सीएमएस, हमारे जो स्टेट के सीएम है, उन्होंने कहा कि स्कूल्स बंद होंगे इस क्लास तक, तो बंद हो गए। गॉट इट? यस। हाँ जी बोलो। मैम मैंने डाल दिया मैम ग्रुप। ठीक है मैं भी देख लेती हूँ। मैम जितने आपने ज्योग्राफी में कराए हैं सारे वही हैं बेटा, ज्योग्राफी में जो जो चैप्टर्स एग्जाम में आएंगे है ना, हमने हम ये जो फ्लोचार्ट्स करा रहे हैं, इन फ्लोचार्ट्स को हम एग्जाम में देंगे फॉर फिलिंग, हम ब्लैंक्स दे देंगे कुछ इसमें, वो आपको फिल करने के लिए देंगे, इसलिए ये फ्लोचार्ट्स इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है मैम, मेरा मतलब ये था कि जितना है ये उतना ही काम कराया ना मैम आपने ज्योग्राफी में? ज्योग्राफी के हमारे बेटा चैप्टर्स खत्म हो गए, हमारा सिलेबस खत्म हो गया है, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स और ये फ्लोचार्ट वाला काम कर रहे हैं, है ना? मैम मेरा क्वेश्चन शायद मैं बोल नहीं पाया, मेरा मतलब ये है अभी तक आपने इतने फ्लोचार्ट दिए हैं ना, बस कल हमने, हाँ ये कल हमने यही करा था, उसके अलावा हमने फ्लोचार्ट करा दिए है स्कूल में। यस मैम वो तो तब में प्रेजेंट था। गुड मॉर्निंग मैम, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। कोई बात नहीं बेटा, आई अंडरस्टैंड। नाश्ता वगैरह खा रहे होगे आप लोग? मैम वो तो मैं संदीप सर। हां हम कुछ लंच कर रहे होंगे, खाएंगे। हां बेटा कुछ लंच कर रहे होंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे हम जल्दी नाश्ता खा लेते हैं तो हमारा लंच का टाइम भी जल्दी हो जाता है, और कुछ लोग लंच के टाइम पे ब्रेकफास्ट करते हैं। मैम ये टाइम ही ऐसा है। यस मैम, आई नो विंटर्स आर लाइक दैट ओनली, यू डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग, एंड बाय आफ्टरनून ओनली यू फील लाइक ईटिंग, इजंट इट? यस मैम। यस मैम। आप खाली दस ही बच्चे हैं? कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हाँ हमारी तो आदत है नहीं। Yes ma'am, ma'am we are much experienced. ma'am कमलेन सर की भाषा में हम लोग लीचड़ हैं। नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं। महान लीचड़।
बेटा आप लोग किसी का नाम नहीं लो, क्योंकि देखो ये जो रिकॉर्डिंग होती है ये यूट्यूब पे जल जाती है, इट डज नॉट लुक नाइस कि आप नाम ले रहे हो किसी का, है ना, समझा करो बेटा। मैम उन्हें पता चल गई तो, हाँ तभी तो हम कह रहे हैं, उन्होंने कोई वीडियो खोल के तो फिर तो हो जाएगा गड़बड़, तो इसलिए जो है आप लोग नाम ना ले, है ना। यस मैम, यस मैम, आप फटाफट से करो तो फिर हम आपसे और भी चीजें शेयर और क्वेश्चंस भी शेयर कर लेंगे, है ना। मैम जी बेटा, मैम अभिनाथ नहीं है, अभिनाथ इज टेकिंग हिज ब्रेकफास्ट एक्चुअली, दैट इज व्हाई ही हैज नॉट जॉइन, ही विल बी जॉइनिंग अभी। ओके मैम, आदर्श आप कर रहे हैं? यस मैम। ओके वेरी गुड, मैम बेटा मैम इन मैम मैम थर्ड फ्लो चार्ट मैम फर्स्ट वन इंपॉर्टेंट एनिमल्स एंड एरियाज वेयर दे फाउंड मैम थर्ड हेडिंग मैम रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ एंड थार डेजर्ट कैमल्स, भाई गुजरात है ना, रन ऑफ कच्छ गुजरात में जो है, रन ऑफ कच्छ बेटा गुजरात में। ओके मैम, ओके मैम, ये दोनों फ्लो चार्ट्स कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से ये इतने ही है इस चैप्टर के लिए, ठीक है, फ्लो चार्ट्स। ओके मैम, ओके मैम, इस प्राची देयर? नो मैम, आई थिंक सो, यू नो आई कांट सी हर, बच्चे कहाँ हैं? बच्चे क्लास में आना मांगते हैं। मैम द फोटोज व्हिच यू हैव सेंडेड इन आवर ग्रुप मैम फ्रॉम ऑल दिस फ्लो चार्ट्स वी हैव टू डू इन आवर कॉपी ना। हां जी बेटा, इन द दैट इज सेंट बाय सानिध्य। Oh, sorry. आदर्श ये हंसी वाली इमोजी कौन भेज रहा है भाई? हैं मैम दिव्यांश जैन, बहुत हंसी आई। दिव्यांश वांट्स टू इंक्रीज हिज ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी राइट, हंस हंस के है दिव्यांश? यस मैम। गुड गुड, चलो अच्छी बात है। मैम ऐसा क्या होता है जिस एग्जाम में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है उसी में कम मार्क्स आते हैं? पता नहीं बेटा, ऐसा होता है अक्सर बच्चों के साथ, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो जाता है कहीं? मैम ज्यादा कॉन्फिडेंस मतलब ओवर कॉन्फिडेंस ही हो गया। लेकिन जिसमें कमाएंगे उसमें तो कमी आती है, उसमें नहीं आते हैं कम, ऐसा नहीं होता है, और जिसमें सोचो कमाएंगे उसमें अच्छे आ जाते हैं अनएक्सपेक्टेड। हाँ मैम उतना अच्छा आ जाते हैं, मैम पता नहीं क्या होता है ये। हाँ ये कुछ सृष्टि का नियम ऐसा है कुछ, है ना?
मैम साइंस और सस्ते तो बढ़िया पढ़ के गया था मैं। हाँ अच्छा और फिर उसमें फेल हो गया। मैम मैथ्स इतनी खास नहीं पढ़ी मैम, उसमें अच्छे मार्क्स आ गए। एक्चुअली टर्म वन वाज ऑल अबाउट गेसिंग वर्क नो। यस मैम। इसका भी फर्क पड़ता है ना। देखिए नाइन्थ में कितने बच्चों ने अटेंडेंस डाली है। प्रद्युम्न इज नॉट इन द क्लास मैम, वो हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या हो गया दिक्कत? नेटवर्क इश्यूज मैम, वो रील्स देख रहा है रील्स पर। हां मैम वो इंस्टाग्राम पे रील देख रहा होगा, नेट खत्म हो गया होगा। रील फंस गई। अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, इसलिए बेचारा आ नहीं पा। लिमिटेड डाटा मतलब है? Yes, ma'am. अक्षर भी नहीं आए हैं। रक्षित सोलंकी इज देयर? यस मैम। ओके व्हाट्सएप में ज्यादा डाटा लगता है, रील्स में ज्यादा डाटा लगता है, क्यों मैम? किस पे? व्हाट्सएप में ज्यादा डाटा खर्च होता है कि रील्स देखने में ज्यादा डाटा खर्च होता है? रील्स रील देखने में मैम, व्हाट्सएप में तो बहुत कम खर्चा होता है। हां रील लेकिन एक बार हम हां यस मैम, एक बार हम रील वाले ऑप्शन में जाते हैं फिर स्क्रॉल करना जरूरी है। अच्छा फिर स्क्रॉल करना जरूरी है, फिर तो वो हाथ रुकते ही नहीं होंगे, होते जाता होगा होते जाता। स्क्रॉल 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 मैम, बिना मन के भी खुल जाता है। क्या करें, हमारे बच्चों के पास कितना डिस्ट्रैक्शंस हैं, क्यों? यस मैम मैम, लेकिन तब भी हम लोग संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं। हाँ आई नो आई नो आई नो मैम, इतना डिप्रेशन है तब भी लीटर, इतना डिप्रेशन है तब भी लीटर। अरे नहीं बेटा, फिर वही शब्दों का इस्तेमाल ना करें बेटा। I think this is the last chapter जिसके हम वो कर रहे हैं। Climate के तो हमने खत्म कर दिए ना flowcharts? Yes मैम, वो तो school में होगा। हाँ school में होगा। Yes मैम, climate वाले complete। Yes मैम, ये last chapter है। ठीक है, तो आपके साथ और A section के साथ I have completed all the flowcharts and question answers. Only C section is left. मैम कार्तिक भी present हो गया। कार्तिक आ गए? डाल दिया उसने? मैम WhatsApp पे। अच्छा ठीक है, ज्वाइन करने के लिए क्या दिया हमने उनसे? मैम इसके बाद भी कुछ करना है? नहीं इसके बाद हम लोग फिर थोड़ा क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे बैठ के, है ना? मैम वो ही करते हैं फिर, है ना? हाँ पहले ही खत्म कर लो आप। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, बड़ी लेट आए कार्तिक आप। यस मैम, आई वेंट आउट। ठीक है, इन द सन और आउट ऑफ द हाउस? आउट ऑफ द हाउस। ओके जैसे क्लासरूम से बाहर जाते हैं हम लंच ब्रेक में, ऐसे लंच ब्रेक में जो है 20 मिनट से गैप में घर के बाहर थोड़ा टहल के आ जाए हैं, क्यों? यस मैम यस मैम। पता ही नहीं चलता कब हो जाता। मैम रिसेस का पता नहीं चलता कब खत्म हो जाता है मैम, ये कह रहा है।
हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसा लगता है अभी हुआ। हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग मैम। वो रिसेस कम पेंडिंग वर्क ज्यादा लगता है। यस मैम। रिसेस कम पेंडिंग वर्क ज्यादा लगता है, ऐसा क्यों मैम? जैसे ब्रश वगैरह ऐसे काम। नहीं समझ में नहीं आया, क्या कह रहे हैं आप? मैम जैसे ब्रश भात ये सब। हाँ अच्छा। मैम उठो मैम, फिर मैम सर्च करो मैम बुक कहाँ है अगले पीरियड की, मैम नेक्स्ट लेक्चर की बुक नोटबुक कहाँ रखी है। तो भाई जैसे आप लोग अपना बैग लगा के स्कूल लेके आते हो, ऐसे अपना रात में सेट करके सो जाया करो, यू डोंट हैव टू सर्च अननेसेसरीली। मैम इतना काम नहीं होता। इतना नहीं हो पाता है, स्कूल आते हुए तो करते ही नहीं करते हो मैम? मैम इन्हीं के लिए मुश्किल है मैम। मैम सुबह सुबह लगाते हैं मैम स्कूल, जब स्कूल मैम टाइम जब टाइम टेबल लगाते हैं स्कूल का मैम, वो भी सुबह ही लगाते हैं जब स्कूल आते थे। हाँ तो ऐसे तो अभी सुबह आज लगा लिया, मतलब अभी डेली ऐसे लगा लिया करो डेली बेसिस पे। मैम बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस मैम, स्कूल वाले दिन 7 बजे उठना होता है, यहाँ पे 8:29 पे ऑनलाइन। यस मैम 25 पे उठा था आज, 8:25। ओ माय गॉड इतना डिफरेंस। तो देखो आप लोगों को कितना एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, तो कम से कम जल्दी उठ जाया करो, 7 बजे उठते हो तो 8 बजे उठ जाया करो। हमसे ना हो पाएगा। नहीं बेटा करना तो पड़ेगा। मैम इन विंटर्स मैम समर्स की बात अलग है, समर्स में उठ जाएंगे। समर्स में भी कहां उठते थे आप लोग क्लासेस लेने के लिए? मैम क्वेश्चन डिस्कस करें। क्वेश्चन डिस्कस करें मैम, हो गया सबका? हो गया ये दोनों फ्लो चार्ट बेटा? यस मैम हो गया। मैं तो अभी कर रहा हूं, मैंने तो अभी स्टार्ट करा है। हां जल्दी जल्दी करो, हमें लास्ट प्रॉब्लम है। मैं एसएस ले लिया। हां वही ले लिया। ऑल हैव डन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए तो इसके एडिशनल क्वेश्चंस कुछ करें हम लोग। यस मैम। यस मैम। यस मैम। Question answers of all the chapters which are part of your term 2 syllabus done? Have you yeah, done? No. Yes, ma'am. Ma'am. Done it there? Yes, ma'am, done. Everything done, no? Yes, ma'am, ab to sab ho gaya. Ab to sab ho gaya hai humara, chalo to theek hai. Ab hum history ke additional questions kare ki geography ke kare? Ma'am, geography ke kar lete hai. मैम ज्योग्राफी, मैम ज्योग्राफी। अरे अरे हिस्ट्री मैम। हिस्ट्री ना? यस मैम। मैम हिस्ट्री। मैम हिस्ट्री। मैम ज्योग्राफी। बोलो बोलो। इतिहास। मैम इतिहास। हिस्ट्री वाले हैंड रेज कर ले, ज्योग्राफी वाले हैंड रेज ना करें। क्या चीज क्या चीज? मैम इतिहास। मैम हैंड रेज। नहीं हैंड रेज करवा लेते हैं, ऐसी क्या बात है? लाओ दोज हु वांट ज्योग्राफी। मैम ज्योग्राफी के लिए हैंड रेज नहीं होगा। Okay, मैम हिस्ट्री की हैंड रेज। ज्योग्राफी एक भी बच्चा नहीं। हाँ लविश। लविश मैम, ओनली लविश, ओनली लविश। तो वी विल गो फॉर हिस्ट्री राइट मैम? 1 vs 11। हाँ मैम बुशरा आल्सो। 8 vs जॉली एलएलबी है ना? यस मैम। यस मैम। चलिए मैम ये तो गलत बात हो गई। हाँ? क्या बात हो गई मैम? हम 10 के बराबर हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब एक ही है। 1 person 1 value 1 vote। यस मैम। 1 person मैम पावर ऑफ डेमोक्रेसी। पावर ऑफ डेमोक्रेसी। पावर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। 1 person 1 vote 1 value राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, question answer discuss करते हैं। ये आप लोगों को कैसे चाहिए? मतलब हम डिटेल वाले नहीं कर रहे, वन वर्ड आंसर्स, ठीक है? Yes, ma'am. डिटेल तो लिखना बंद है। तो shall I share the screen with you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो तो 2 मिनट दो हमको। हमने स्क्रीन शेयर करी हुई है ना आप लोगों के साथ?
जस्ट अ सेकंड बट आई विल सेंड द क्वेश्चंस हियर ओनली ओके ओके मैम ओके मैम द मोमेंट यू गेट द क्वेश्चन राइट द आंसर इन द नोटबुक एंड देन once we are done with five questions send it on the class group right okay ma'am one word is long hai okay ma'am samajh aa jayega ma'am can we send you can we send the ma'am can ma'am may I send the answer ma'am on the zoom chat only zoom chat pe mat bhejo usko hum khol ke nahi dekh payenge okay ma'am wo wala ma'am camera open karke show kar denge ha aisa kar lo ye bhi theek hai This will also help. Yes, ma'am. Ma'am, कौन सा chapter? Chapter two history. Chapter two history. Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Your first question is, who controlled economic and social powers before the 18th century in France? I repeat, who controlled economic and social powers before the 18th century in France? मैम इकोनॉमिक एंड सोशल पावर्स हाँ बोलो बोलो मैम आगे इकोनॉमिक एंड सोशल पावर्स बिफोर द 18th सेंचुरी इन फ्रांस मैम फ्रांस हु कंट्रोल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल पावर्स बिफोर द 18th सेंचुरी इन फ्रांस मैम आंसर बताऊं हाँ बताओ मैम चर्च हाँ ये रहा क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे आपको दिख रहा है मैम बिफोर 18th सेंचुरी जी 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 मैम एरिस्टोक्रेसी नहीं हो सकता है हाँ एरिस्टोक्रेसी एंड चर्च है दोनों होगा यस मैम द एरिस्टोक्रेसी एंड चर्च बोथ दोनों नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम टू इंडियंस हु टॉक्ड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन Got the next question? Yes, ma'am. Ma'am, एक बारी repeat करिएगा. To. बेटा repeat करूँ मतलब? मैं डाल. तो screen पे लिखा हुआ आ रहा है, देख लो. Can you see on the screen? ma'am, एक मिनट slide करूँ. Yes, ma'am. ma'am, मैं डाल ना answer. बताओ. मैम राजा राममोहन रॉय एंड टीपू सुल्तान नहीं नहीं मैम फ्रेंच रिवॉल्यूशन का है हाँ सिग्निफिकेंस के बारे में कौन बात करता था टीपू सुल्तान वाज इंस्पायर्ड एज पर बुक चैप्टर टू इट वाज डेरोजियो मैम कौन डेरोजियो चैप्टर के बिगनिंग में सेकंड पैराग्राफ में आंसर इसका ठीक है दूसरा लिखो मैम राजा राममोहन राव और डेरोजियो हाँ जी बिल्कुल सही नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम तुक्का मारा
What were the varied responses in Europe about transformation of society? Done? No, ma'am, फिर से बोल दीजिए. ये देखो क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे. What were the varied responses in the Europe about transformation of society? बताओ इसका आंसर. मैम इसमें कंफ्यूजन है. क्या कंफ्यूजन है बताओ. मैम मतलब वही आंसर इसका याद नहीं आ रहा है. कोशिश करो. है ना. Okay, second का answer, who is going to tell? मैम मैंने बताया था मैम second का मैम राजा राम मोहन राय एंड डोरेजी. No, third. मैम there were some who accepted that some changes were necessary but wished to have a gradual shift while others wanted radical restructuring of the society. Restructuring. Very good, Sanidhya. Very good. Some accepted that some changes were necessary but wished to have a gradual shift while others wanted radical restructuring of the society. Shabash. Next question is, mention the type of government favored by the liberals. Got the question? मैम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. मैम रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री. और मैम बस इतनी थी शायद बुक में ये भी तो दिया हुआ है सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाय द वेल ट्रेन्ड जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स. ठीक है मैम वो मेरे को याद था मैम खाली यही याद था. चलो वेरी गुड वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट याद था. हां नेक्स्ट क्वेश्चन चला है क्या मैम. हाउ कैन वी से दैट द लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेट्स. मैम हाउ कैन वी से हाउ कैन यू से दैट द लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेट्स. मैम बिकॉज दे वर अगेंस्ट द राइट टू वोट बाय द सिटीजंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. वेरी गुड वेरी गुड. मैम ये तो नोट्स में था. नोट्स में था ना ये. बस आप ये समझ लो क्वेश्चन बनते हो. मैम पॉइंट्स में बता सकते हैं. जी बेटा. मैम पॉइंट्स में बता सकते हैं. हाँ हाँ बिल्कुल. मैम बोलूं. बोलो. मैम पहला जैसे वुमेन शुड नॉट हैव राइट टू वोट. मैम वहाँ उनका एक रूल था मैम दे फेल्ट दैट ओनली मैन ऑफ प्रॉपर्टी शुड हैव राइट टू वोट. Very good. And ma'am, wo universal aided franchise mein believe did not believe in universal aided franchise. Very good. All the three points that you have told, they are there in the book as well. ठीक है? Ma'am. Okay. Very good. Very. Ma'am is right. Very good. Now the next question is, mention one significant view of the radicals. Mention. Mention one significant view of the radicals. Ma'am, they wanted a government on the majority of country's population. Dubara. Ma'am, they wanted a government on the majority of country's population. Yes, ma'am. Yehi answer hai.
मैम वो एक वो भी तो शायद बुक में प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला मैम वो उसको मानते नहीं थे। हाँ मैम देवर प्राइवेट प्रॉपर्टीज वाला मैम लिख सकते हैं इसमें बेटा एक मिनट दोबारा बोलो मैम दे वांटेड अ गवर्नमेंट ऑन द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन ठीक है पॉपुलेशन एंड देवर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टीज हाँ देवर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है और नेक्स्ट क्वेश्चन मैम सिग्निफिकेंट तो दो यही हुए जो मेन थे हाँ मेन यही था ठीक है नेक्स्ट इज When did the conservatives become receptive to the need of change? When did the conservatives become receptive to the need of change? Now after the French Revolution, when they saw the situation of the... After the French Revolution. Very good. ऐसे लग रहा है सारे आंसर्स आपके सामने लिख के रखे हुए हैं मैम वो नोट्स दिखाए तो थे आपको मैं हाँ बहुत अच्छी बात है आपने देखो इतने अच्छे से प्रिपेयर करें कि आपको कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला मेरे को नहीं आता हाँ कोई बात नहीं नेक्स्ट इज व्हेन डिड द कंजर्वेटिव्स सॉरी Which group of ideology was against any kind of political or social change earlier in the 18th century? Ma'am, conservative. It was the conservatives. Very good. Very good. ठीक है कितने questions हो गए हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है दो और कर सकते हैं अभी टाइम है हमारे पास है ना यस मैम ठीक है व्हाट वर द व्हाट वर द आइडियाज ऑफ कंजर्वेटिव्स रिगार्डिंग सोशल चेंज इन द 19th सेंचुरी बताओ ये तो हमने जो फ्लो चार्ट बनवाए थे बेटा उसमें भी लिखे हुए हैं ये आंसर्स आप जानते हैं बताओ भाई मैम नोट्स में ही है हमने जो फ्लो चार्ट बनाए थे फॉर दिस चैप्टर मैम देख गया बोलो मैम द कंजर्वेटिव बिलीव दैट सम चेंज वाज रिक्वायर्ड इन द सोसाइटी बट चेंज शुड बी स्लो हां चेंजेस वर रिक्वायर्ड बट दे शुड बी स्लो वेरी गुड हां वेरी गुड नेक्स्ट इज What kind of developments took place as a result of new political trends in Europe? Batao. Class. Ma'am, may I tell? Ma'am, understand. Third, ma'am, new cities came up, ma'am, railways expanded. Okay, new cities came up and railways expanded. Very good. Ma'am, ek point aur batao. Ma'am, do point aur hai. Ma'am, ek point batao. Batao. Ma'am, industrial revolution. Ma'am, ek hi bata. Ma'am, new cities came up. हाँ बस ठीक है जो ma'am, बता तो दिया. मैंने बता दिए. चलो next question. तीनों बता दिए. Ma'am, तीन ही है वैसे. Changes during industrialization. List? Yes, ma'am. Ma'am, railways expanded, industrial revolution occurred, and new cities came up. List the major changes during industrialization.
बताओ मैम. मैं आई टेल मैम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ट्रांसफॉर्म्ड इकोनॉमीज दैट हैड बीन बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड हैंडक्राफ्ट एंड मैम इट मैम मैकेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑन द फैक्ट्री सिस्टम. नहीं कह रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने सबसे बड़ा चेंज क्या देखा. व्हाट वर लिस्ट द मेजर चेंज ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन. मैम मेन वुमेन एंड चिल्ड्रंस को है मतलब वहां पर मतलब इंडस्ट्रीज वर ब्रॉट टू फैक्ट्रीज. वेरी गुड लविश वेरी गुड. मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन वर ब्रॉट टू फैक्ट्रीज ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन. मैम इतना ही है इसका आंसर बस इतना ही है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा. व्हाट वर द फर्म बिलीव्स ऑफ द लिबरल्स. मैम एक बार ये आंसर रिपीट कर दीजिए उसका. इसका आंसर रिपीट करें. इसका आंसर है मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन वर ब्रॉट टू फैक्ट्रीज ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन. ओके मैम ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ. व्हाट वर द फर्म बिलीव्स ऑफ द लिबरल्स. मैम वैल्यू ऑफ लेबर.